बना। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ जी हाँ बढ़िया आ जी। रही है। वंशा कल्पतरुवेस्य कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों को, वैष्णव भक्तों को मेरा प्रणाम, मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी स्पेशली जो है ऑनलाइन से जुड़े हुए, ये चैंटिंग जो सेशन चला हुआ इससे जुड़े हुए सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन से जुड़ने से पहले हम लोग शिव जी की पूजा किया करते थे। ट्रेडिशनली हमारे गांव में जो है शिव जी की पूजा होती थी। मेरे पिताजी शिव जी के पुजारी थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे गांव में और पूरे इलाके में कोई भी मीट या मांस नहीं खाता था। हम लोग शिव जी से बड़े उससे जुड़े हुए थे, शिव जी की पूजा करते थे। लेकिन जब यहाँ 2008 में इधर मैं 36 सेक्टर में शिफ्ट हुआ, तो एक दिन ऐसे ही कौतूहल बस इधर चले गए हम 36 इस्कॉन टेम्पल की तरफ। तो उस दिन जन्माष्टमी थी, तो देखा कि बड़े मंत्रों के जो है बड़ी ध्वनियां आ रही हैं उधर से, बड़ा चहल पहल हो रही थी। हमने सोचा यहाँ पर कौन सा मंदिर है, यहाँ बड़ी चहल पहल हो रही है, बड़ा जो है मंत्र के उच्चारण आ रहे हैं। हमने कहा शाम को रात को इधर आएंगे देखने के लिए। तो मिसेज और मैं दोनों थे, हम तो ऐसे उधर से निकल रहे थे, तो हमने कहा रात को आएंगे दर्शन करने के लिए। जब रात को हम यहाँ से गए दर्शन करने के लिए, तो इतनी बड़ी भीड़ और बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। हमने सोचा अंदर जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, तब तक हमने भगवान राधा माधव के दर्शन नहीं किए थे। तो इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, हर गेट में जाते तो वहां लाइनें, और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे भक्त लगे हुए, और जो है बिल्कुल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं। तो हमने बड़ी कोशिश की कि हम अंदर जाके दर्शन करें, लेकिन नहीं कर पाए। तो हमने बाहर से प्रणाम किया और हम निकल आए इधर को। हमने कहा कौन से भगवान है ऐसी भीड़ और ऐसी, तो हमें बड़ी जिज्ञासा हुई। हमने सोचा कि ऐसे भगवान के दर्शन अभी किसी दिन शांत दिन जाएंगे तब करते हैं अंदर दर्शन। तो फिर हम एक दिन चले गए ऐसे ही दर्शन करने के लिए। शांत जो दिन था, मेरे ख्याल से संडे का दिन था, तो देखा कि उस दिन भी बड़ी चहल पहल हो रही है। हम अंदर गए, राधा माधव के दर्शन किए, और उसके बाद देखा कि वहां प्रसादम भी हो रहा है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन सब लोग कर रहे हैं। हम लोग भी बैठ गए प्रसाद लेने के लिए, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा ये तो बहुत जबरदस्त जगह है हमें, क्योंकि ऐसी जगह का पहले हमने कल्पना भी नहीं की थी कि जो है भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और प्रवचन भी हमने सुने उस दिन बैठ करके, और यहाँ प्रसादम भी हो रहा है, प्रसादम भी लिया। तो हम बड़े खुश हो गए, हमने कहा ये तो बहुत गजब की चीज जगह है। तो फिर नेक्स्ट संडे को फिर गए हम। तब तक उसी दौरान मेरे ख्याल से वो DYS का जो है बाहर से कैंप लगा हुआ था, तो हमें पकड़ वहां, हम उससे बोला कि भाई आप ये करेंगे, DYS कोर्स है, ऐसा है, इसमें ये है, आप अपने बारे में जानेंगे, डिस्कवर योर सेल्फ इसका नाम है। तो हमें कोई भक्त थे उस समय, तो उन्होंने कहा कोर्स चल रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से पहला वो स्टार्टिंग हो रहा था उस समय। शास्त्री चक्षु प्रभु जी थे, सीतानाथ प्रभु जी थे, रामनेत्र प्रभु जी थे। तो हम लोग वो पहले वो DYS में मैंने अपना नाम लिखा दिया। तो कोर्स में हम बैठे जो है वहां जाने लगे, तो हमारे सीतानाथ प्रभु जी लेक्चर देते थे उसमें, और रामनेत्र प्रभु जी भी लेक्चर देते। तो सीतानाथ प्रभु जी पता नहीं क्या इनके अंदर कौन सा मैग्नेट ऐसा अंदर था कि इनके प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होते गया मेरा। मैं इनसे स्पेशली जो भी वहां सुनता था लेक्चर, तो कुछ ऐसी डाउट्स या कुछ ऐसे आते थे तो मैं इनसे डिस्कस करता था। तो धीरे धीरे जो है सीतानाथ प्रभु जी मुझे इतना ज्यादा जो है इनके प्रति, और इनका भी पता नहीं, इन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया कि अब ये हाथ जो है इन्होंने एकदम पकड़ लिया। अब ये जब भी देखे मैं कि आप मंगला आरती आइए, मुझे मैसेज करने लग गए कि आई विल बी वेरी ग्लैड इफ यू अटेंड द मंगला आरती। तो मुझे जब मैसेज आता था तो मैं ठीक है मंगला आरती जाना चाहिए, फिर सुबह उठ करके मंगला आरती जाने लग गए। धीरे धीरे सीतानाथ प्रभु जी की जो है उससे ब्लेसिंग से और उनके जो है इंस्पिरेशन से जो है मुझे काफी जो है उस समय इतना ज्यादा एंथुजियाज्म क्रिएट हुआ मेरे अंदर मंदिर के लिए, बहुत ज्यादा। तो उस पीरियड में मतलब दैट इज द वेरी रिमेमोरेबल पीरियड। मतलब मैं भक्ति के लिए उस समय जो है जितना उत्साह था कि मैं सुबह निकल के चले जाता था, मिसेज नहीं जाती थी,
बल्कि ये थोड़ा सा मेरे इस्कॉन जाने में जो है थोड़ा जो है नाराज होती थी। मैं फिर एक दिन मैंने सीतानाथ प्रभु जी से कहा, मैंने कहा प्रभु जी हमारे मिसेज तो बहुत नाराज होते हैं इधर आने में। तो उन्होंने कहा उनको भी इस प्रसादम में लाया करिए, वो आपको जो है धीरे धीरे, तो ये प्रसादम में ले जाता था। पता नहीं भगवान की राधा माधव की क्या कृपा हुई कि कोई माताजी इनको मिल गई। माताजी ने इनको जो है कुछ क्या फिलोसफी दिखाई, तो ये इस्कॉन धीरे धीरे जाने लग गई और जो है मेरे साथ ही आने लगी। चलो अब मैं सुबह नहीं भी उठूंगा, चलो इस्कॉन के लिए। मैंने कहा ये तो नदी की धारा ही बदल गई भाई। मैंने प्रभु जी से बोला, मैंने कहा प्रभु जी नदी जो है अब रिवर्स डायरेक्शन में बहने लग गई है। तो बड़े खुश हो गए। उन्होंने बोला देखो ऐसा ही होता है, जो राधा माधव के यहाँ एक बार आ जाता है तो राधा माधव उसकी दिशा ही बदल देते हैं। तो हम धीरे धीरे दोनों लोग जो है इस मंदिर में जाने लग गए, फिर बच्चे भी जाने लग गए। तो बहुत अच्छा पीरियड चलता रहा। और यहाँ पर हमारे जो जितने भी कोर्सेज होते थे उनमें DYS करने के बाद फिर पॉजिटिव थिंकर कोर्स, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया। तो बहुत अच्छे लेक्चर जो है उनके चलते थे, रामनेत्र प्रभु जी के चलते थे, सीतानाथ प्रभु जी के चलते थे, उस समय वैकुंठ गुणा प्रभु जी भी थे उनके भी चलते थे। तो इनसे बड़ी इंस्पिरेशन से मिलती रहती थी हमें। और बीच बीच में सीतानाथ प्रभु जी जो है हमें इनपुट्स जो है आध्यात्मिक इनपुट्स देने के लिए या हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत इन्होंने प्रयास किया। और हमारे घर भी आते थे कि क्या कर रहे हैं आप, आपकी उन्नति कैसी चल रही है, चैंटिंग कैसी चल रही है, ये सब असेसमेंट करने के लिए वो कई बार हमारे घर भी आए। तो इनकी प्रेरणा से और इनके जो है ड्राइविंग फोर्स जो ये अंदर से देते थे, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस इसकी जरूरत अभी भी है, पहले तो थी, पहले स्टार्टिंग में तो होती होती है, लेकिन मुझे अभी भी कंटिन्यूअस जो है ड्राइविंग जो है जो अंदर से एक इंस्पिरेशन मिलती है, इनसे मिलती रहती है। फिर कई कोर्सेज में जो है हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर यहाँ सेवाएं भगवान की कृपा से जो भी सेवा मिलती थी, ज्यादा तो नहीं कर पाता था मैं सेवाएं, अभी भी कहाँ उतना नहीं कर पाता हूँ। हाँ जो भी भगवान की कृपा से सेवा मिल जाती है उसको मंदिर में आने के बाद ऐसा सोचा जाता है कि भगवान के लिए ये सेवा अवश्य करनी चाहिए, हम किसी के लिए नहीं भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये समय लगभग 2011-12 के आसपास का था। फिर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मुझे शास्त्री चक्ष प्रभु जी ने सौंपा कि आप देखेंगे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। तो तब से प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट जब मैं यहाँ रहता था, बाहर नहीं रह जाता था, तो यहाँ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे बहुत रहता था कि मैं मंदिर में जाऊँ और भगवान की सेवा के लिए प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य किया जाए। तो ये चला। फिर लॉकडाउन में तो खैर 1 साल से बंद ही है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस लॉकडाउन के बाद ही मेरा पता नहीं क्या हुआ कि राधा माधव की, उसके बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है मैं भगवान के राधा माधव के दर्शन करने के लिए जाया करता। तो इसी बीच जो है 2019 में दीक्षा का जो है प्रोग्राम शुरू हुआ। दीक्षा मैं लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि थोड़ा बाहर आउटिंग बहुत होती थी, तो उसमें मुझे लगता था कि मैं जो है इतना कर नहीं पाऊंगा। पता नहीं कहाँ खाना, 4 4 दिन रहना पड़ता है, तो लहसुन प्याज का जो है या इसका, चाय तो छोड़ दी थी मैंने, खैर 2012 या 2013 में चाय छोड़ दी थी। लेकिन जो है बाहर जाना आउटिंग के कारण जो है मैं लहसुन प्याज के लिए बड़ा डरता था कि वहां कहीं ऐसा ना हो जाए। तो सीतानाथ प्रभु जी ने और शास्त्री चक्षु प्रभु जी ने काफी जो है हमें समझाया, दोनों लोगों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है आप जो है। फिर लेकिन मुझे डाउट फिर भी था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर हम दोनों लोग मिलकर के नंद महाराज प्रभु जी के पास गए। हमने सारे एग्जाम वगैरह सब पास कर लिया था, लेकिन हम अल्टीमेटली फाइनली जो है दीक्षा नहीं लेना चाह रहे। नंद महाराज प्रभु जी के पास गए तो प्रभु जी ने हमें ऐसी फिलोसफी बताई कि हमारी समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि बिना जो है दीक्षा के आप जो है जो भी जो कर रहे हैं ठीक है, वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप जो है रजिस्टर्ड, जो जैसे एक जो भक्ति के लिए जो आवश्यक अंग है वो दीक्षा का माना जाता है, हरिनाम दीक्षा। ये कोई बहुत बड़ी कि आपको बहुत जो है सक्रीफाइस नहीं, ये तो आपका स्टार्टिंग है, ये तो हरिनाम दीक्षा स्टार्टिंग होता है, या भगवान से जुड़ने का बहुत अच्छा रास्ता है, इसमें गुरु की कृपा मिलती है और गुरु का आशीर्वाद मिलता है, वो आपके लिए जो है ज्यादा अच्छा एक ड्राइविंग फोर्स है वो भी, और आंतरिक जो है जो आपको जो है उन्नति मिलेगी इसी से मिलेगी।
तो फिर हमने समझ में आ गया हमारे, फिर हमने दीक्षा का जो है ले लिया, दोनों लोगों ने दीक्षा ले ली। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो है माताजी लोग जो है भी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे मंदिर में, तो उन लोगों की क्लास लगा करती थी प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए सेवा भाव उसमें जो है जागृत कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा, जो हम प्रभु जी लोग थे, हम लोगों ने देखा कि माताजी लोग देखो क्लास लगाती हैं और वहाँ भागवतम की क्लास चलती है, भगवत गीता की क्लास चलती है, तो हमने भी शुरू कर दिया। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम लोग जो है आधे घंटे की भगवत गीता की कंटिन्यूअस रीडिंग की क्लास लगाते थे और वहां भक्तों के एक्सपीरियंस सुनते थे। प्रभु जी उस जो ये क्लास लगती थी, जो भक्तों के एक्सपीरियंस हम सुनते थे, ये रियल एक्सपीरियंस, वो ये कहते थे कि प्रभु जी आध्यात्मिक उन्नति तो यहाँ आने के बाद है ही है। वो अपने अनुभव सुनाते थे हमें, भौतिक चीजों के लिए भी हर समय भगवान हमें, जब भी भौतिक चीजें प्राप्त करनी हो या उसमें कोई कुछ करना हो, हमारी इच्छा होगी हमारा ऐसा हो जाए, हमारा ये कार्य हो जाए, भगवान वहां आकर के एकदम से भगवान खड़े हो जाते हैं और हमें उस कार्य को, उस भौतिक कार्य को जो भी है उसमें बहुत सहायता मिलती है। कई भक्त हैं जो जिन्होंने अपनी रियल जो एक्सपीरियंसेस हमें सुनाई, उसमें हमारे भक्त हैं बहुत अच्छी सेवा करते हैं वो, जो है कंटिन्यूअस जैसे प्रसादम होता है, तो प्रसादम होने के बाद जो है जो सेकंड शिफ्ट आती है उससे पहले तुरंत पोछा ला करके वहां सफाई करना, ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब वो उनसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने अच्छे भक्त हैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में। मुझे तो उन भक्तों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इससे मैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत कुछ सीखा, भक्तों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखा। तो सेवा तो ज्यादा, अब जब भी मतलब बाहर नहीं गया तब मैं सेवा करता था इधर, तो यही चलता है, भगवान के आशीर्वाद जो है मिलते रहता है। तो इससे अब इस काम से जुड़ने से कम ये एक जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट था कि हम इससे पहले एक कन्फाइंड रीजन में थे, शिव जी की पूजा की, कभी जो है शिवरात्रि को चले गए, और ये बहुत बड़ा स्पियर कि भक्त क्या होते हैं, शुद्ध भक्त क्या होते हैं, ब्रह्मचारी क्या होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं, सन्यासी क्या होते हैं, ये बिल्कुल अंधकार था। इस एस्पेक्ट में मेरा कोई ज्ञान नहीं था इससे पहले। तो इस स्थान से जुड़ने के बाद ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है मुझे मालूम पड़ा कि कितने कितने बड़े बड़े जो है वैष्णव जो है कितना अपनी लाइफ सेक्रीफाइस किए हुए हैं इस भगवान की सेवा के लिए। तो ये क्षेत्र में इस्कॉन में आने के बाद ही मुझे पता चला। तो हमें यहाँ अच्छे भक्तों का संग मिलता है इस्कॉन में आने के बाद, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने को मिलते हैं, बड़ी इंस्पिरेशन से मिलते हैं, जो है जो भी त्योहार आते हैं, जो भी जन्माष्टमी हो या अन्य कोई जो है फेस्टिवल हो, उनमें जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है लोगों के जो है सेवा भाव और उनकी जो है डेडिकेशन मंदिर के प्रति वो देखने को मिलती है। मुझे तो याद है कि जब उन गेटों से मैं जो स्टार्टिंग में जन्माष्टमी में अंदर घुस नहीं पाया, बाद में जो है मेरी सेवा ही गेटों में, गेट नंबर 3 में जो है मैं सेवा करती रहा। बहुत अच्छा मेरे को वहाँ अनुभव था उस गेट में सेवा करने का, बहुत अच्छा अनुभव। मैं उसको याद करता हूँ कि देखो कितना बढ़िया, किन किन लोगों से क्या क्या कैसे कैसे डील करना पड़ता है। वो मुझे गेट नंबर 3 में सेवा करके मुझे बहुत अच्छा मिला। तो प्रभु जी बाकी तो सब भगवान की आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, आपकी जो है कंटिन्यूअस इंस्पिरेशंस और आपकी जो है दिशा निर्देशन जो भी मिलते हैं उससे मुझे बहुत अच्छा मिलता है। बीच बीच में थोड़ा सा डाउन हो जाता है मेरा, तो वहाँ प्रभु जी पीछे से आ जाते हैं, सीतानाथ प्रभु जी। बीच में स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो शास्त्री चक्षु प्रभु जी ने बहुत मुझे जो है उस पीरियड में काफी वो दिया, हेल्प किया मुझे कि मेरे स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी जो है थे सारे डाउट्स क्लियर किए। तो अब मैं थोड़ा सा ठीक हूँ, स्वास्थ्य से इम्प्रूवमेंट है। बाकी आप लोगों के भक्तों जो जो हमारे काउंसलर हैं सीतानाथ प्रभु जी, इनके दिशा निर्देशन और जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है ये हमें बीच बीच में जो है हमें देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। और इन सब में जो है हमारे शुद्ध सत्व प्रभु जी हैं,
हमारे प्रसादन डिस्ट्रीब्यूशन में उनका जो है बहुत जबरदस्त जो है वो रहता है, क्या जो एंथुजियाज्म और जो कहते हैं कि साहत निश्चयात धैर्यात बोला, उस साहत में प्रभु जी बहुत जबरदस्त जो है इनका। हम अपने प्रसादन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं कि जब भी हमें थोड़ा सा ढीला पड़ने लगते हैं भक्त, तो मैं प्रभु जी से, शुद्ध शुद्ध प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रभु जी आज आप आइए और हमारे भक्तों को थोड़ा मोटिवेशन कर लीजिए, आज हमारे क्लास में, सेशन में आपका भी एक लेक्चर रहेगा। तो प्रभु जी आते हैं और ऐसे जो है मोटिवेशनल क्लास देते हैं कि जो भक्त नहीं भी आने के थोड़े से ढीले पड़ने वाले होते हैं, वो फिर उनमें एनर्जी भर जाती है, वो एनर्जाइज हो जाते हैं। तो प्रभु जी जो है बहुत अच्छा जो है वो देते हैं। बीच बीच में कभी जो है सीतानाथ प्रभु जी को भी हम ले आते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर जो है इस्कॉन से, अब मैं तो इतना ही कहूंगा प्रभु जी, बाकी जो है सब आप लोगों के जो है आशीर्वाद रहे और आपका ब्लेसिंग्स रहे, तो सेवा करने का मौका मिलेगा जब तक, तो कोशिश करेंगे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी कई सालों से प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन संभाले हुए हैं और फेस्टिवल्स में, स्पेशली जन्माष्टमी पे क्राउड कंट्रोल सेवा बहुत बढ़िया से मैनेज होता है। तो आई थिंक आज सीधा प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐड करें। हाँ जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बोलना था हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, इन्होंने बोल दिया हाउ डिवोटी ब्रॉट मी टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इनका काफी मुस्कुराता हुआ चेहरा है। आज कुछ परमात्मा रियलाइजेशन हो रहा है या हिरण मयन पात्रे न सत्यस्य पिहिता मुखम, मुख उतना अच्छा सामने आ नहीं पा रहा है, लेकिन ही इज ऑलवेज हैप्पी। He's always happy, he's always smiling. और लोग जो हैं इनकी विनम्रता से ही वो क्या कहते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। तो जो चीज इन्होंने मिस किया मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करता हूँ। इस्कॉन में आने से पहले एक बार ये प्लेन से कहीं जा रहे थे और उस प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए, और जब दोनों इंजन फेल हो गए तो ऑलमोस्ट ये प्लेन जो है धरती पे गिरने वाला था, और एकदम से ना मतलब एक्सीडेंट मुझे होने वाला था। बस कुछ समय पहले ये सब लोग प्रे कर रहे थे, सारे लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ समय पहले बस थोड़े से सेकंड में एक इंजन चल पड़ा और अल्टीमेटली ये सारे, इनकी फैमिली थी उसके अंदर सब, ये इनके वाइफ सब बच गए। वहां से ये भगवान की तरफ जो है, जैसे कि ना आर्तो जिज्ञासु आर्थार्थी, तो वो स्वीकृति जो है वो उनकी यहाँ पे बनती है और भगवान की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए तो इन्होंने डिवाइस किया, डिवाइस में एक रेगुलर पर्सन थे और एक रेगुलर क्लास में रेगुलर थे, राधा मुकुंद प्रभु जो है उसी बैच में थे। क्या कहते हैं, कई बार ना सेवाएं वगैरह लगानी होती थी हमको, तो क्योंकि वो तो शुरुआत के दिन थे उसमें सेवाएं वगैरह लगानी होती थी, तो कह रहे किसको लगाएं, तो फिर इनका नाम आ जाता था, राधा मोहन ध्रुव का नाम आता था, रामचंद्रन उनका नाम था। तो मजाक में मैं रामचंद्र ध्रुव को बोलता भी था, मेरे दो अनमोल रतन, एक रामचंद्रन एक त्रिलोचन, इनका नाम उस टाइम त्रिलोचन था। तो ये सीरियस थे, लेकिन एक दिन फिर मेरे पास आए, कहते कि अब मेरा वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, तरक्की हो रही है और एक स्टेशन पे 3 साल से ज्यादा रुक ही नहीं सकते, कहते अब मेरा जाना पक्का हो गया है। मैंने कहा आप राधा माधव से प्रार्थना करिए, आप नहीं जाएंगे, चिंता मत करिए। और इन्होंने दिल से राधा माधव से प्रार्थना की और कुछ ऐसा हुआ कि इनका वो रुक गया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद आया कि अब तो कुछ भी, कोई भी नहीं रोक सकता, अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, राधा माधव सब कुछ बदल सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। और सचमुच में कुछ ऐसा हो गया कि ऐसा लिख दिया गया कि जो इनका कार्य है कोई और पर्सन नहीं कर सकता, और इनको चंडीगढ़ में रहना ही रहना है, इनको चंडीगढ़ से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा कुछ लिख दिया गया। मेरे को पता नहीं क्या लिख दिया गया, वो प्रभु जी को ही बताया, कुछ ऐसा कर दिया गया कि लोग आते हैं जाते हैं पर तपस्वी यति यहीं रह जाते हैं, कुछ ऐसा है चंडीगढ़ में रहने का। इनके साथ ऐसा हो गया, मतलब ये राधा माधव की कृपा रही है इनके ऊपर। और
फिर जब उसके बाद उसकी बात आई, दीक्षा की बात आई, तो थोड़ा सा इन्होंने गलत बोला कि भाई हम दीक्षा नहीं लेना चाहते थे, ऐसा नहीं है। इनके अंदर एक भय था, और वो भय ये था कि क्या हम जो दीक्षा लेने के बाद सीरियसनेस से इसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक ना हेल्दी फियर होता है, ये अच्छी चीज होती है, ये हर डिवोटी के अंदर होना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, चाहे जैसा मैं ऐसा ढुलमुल सा कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को दीक्षा दो, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे ये होना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और बाकी लोग जो है उनको तो कहना पड़ता था कि भाई अभी आप थोड़ा सा वेट करो, तो वो कहते थे नहीं मेरे को दीक्षा दो। पर यहाँ पर था कि मेरे को पता था कि ये दोनों बहुत ही अच्छे सीरियस डिवोटी हैं, सर्विस में बहुत अच्छे हैं, और इनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए। फिर इनको मैंने समझाया कि ये फियर हेल्दी फियर होता है, ये हमें डरना चाहिए कि मैं क्या सारे कार्य अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं सही से रह पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एक अच्छा स्टूडेंट एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा उसके अंदर डर होता है, क्योंकि वो सीरियस है। यहाँ इनके अंदर सीरियसनेस थी, इसलिए वो इससे डर रहे थे, तो इसलिए इनके अंदर संकोच था। वो संकोच को बैठकर हमने इसको समझाया, बैठकर इन्होंने इनको किया, इनके घर में गया था मुझे याद है, और उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो फिर उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, और आज बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर प्रसादम के इंतजाम जो है वो कर लेते हैं, और भगवान की दया से अभी कुछ टाइम से जाना भी नहीं पड़ रहा है। कृष्णा पता नहीं इनके लिए क्या क्या कर देते हैं। जैसे हमने अनुमार भू का देख रहे थे कि सब कुछ होता गया पर उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, उसी तरह से ये हैं। और फिलॉसफी की अब बात आए, रीडिंग की बात आए, तो रीडिंग बहुत अच्छा करते हैं। रीडिंग करने के बाद आकर डिस्कस भी करते हैं कि वहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर ये लिखा है। मेरे को सबसे अच्छा वही चीज लगती है, कोई व्यक्ति जो है जब रीडिंग कर ले, स्पेशली काउंसलिंग मेरा जो है वो रीडिंग कर ले, रीडिंग करने के बाद डिस्कशन करें कि वहां पर ये लिखा है, फिर मेरे को मजा आता है कि हाँ इन्होंने रीडिंग की है। तो वो रीडिंग करने के बाद आके डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, यहाँ पर कमाल की बात मैंने देखी। मैंने कहा हाँ जी कमाल की बात तो है ही है, ये बात मैंने भी महसूस की थी। और फिलॉसफी में बहुत अच्छे हैं, और काफी टाइम हो गया है, काफी समय हो गया है, अब ऐसा समय आना चाहिए जब ये एक कोर्स को संभालें और अब ये प्रीचिंग में भी आगे बढ़ें। माता जी बहुत बढ़िया सेवा कर रही हैं, वो क्या कहते हैं प्रीचिंग में फॉलो अप वगैरह में बहुत अच्छे से करती हैं। अब ये प्रीचिंग के अंदर आए, अब ये समय हो गया, मैं इनसे विश करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक ऑलरेडी प्रीचिंग के लिए तैयारी है, वो हमने उनको जस्ट देना है, अलॉट करना है। आई थिंक शुद्ध प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे। अरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। प्रभु जी को मैं देख रहा, सुन रहा था अभी, प्रभु जी ने अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं, मतलब ग्लोरिफिकेशन से भी डिवोटी को ग्लोरिफिकेशन कर दिया। और प्रभु जी को मैं काफी सालों से, जब से आया तब से जानता हूँ, और एक बात इनमें एक गुण है कि एक कभी भी गुस्सा नहीं करते, बहुत बढ़िया गुण है, हमेशा हम्बल डाउन टू अर्थ रहते हैं, और इनको कोई भी सजेशन दिया जाए बड़े हम्बली करके उसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कभी वो आर्ग्यू नहीं करते बीच में, बहुत खासियत है इनकी। और इतनी हाईली पोस्ट पे होते हुए प्रभु जी इतना अच्छा गुण है इनमें, देखिए बड़ा हाईली। और कोई भी कई बार प्रसादन में प्रभु जी ने बताया डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बुला लेते हैं, तो ये इनका बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है, जिस सभी भक्तों को जोड़ के रखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, रेगुलर उनके टच में रहते हैं सेवा में, और सबको जोड़ के रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब ध्यान रखते हैं सबका जी, बहुत बढ़िया खासियत है। जैसे सीतानाथ प्रभु उनके ज्यादा क्लोज हैं, प्रभु जी से बार बार डिस्कस करते रहते हैं, कोई भी बात रहती है, मैंने पहले ही सीतानाथ प्रभु को बताया था कि इनको कई बार बोल चुका हूँ कि ज्यादा इनको कोर्स दो, बहुत जल्दी जे प्रीचिंग में आने वाले हैं, तो प्रभु जी कहते नहीं अभी इनको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इनको, क्योंकि इनकी जॉब जो है बार 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 जाना पड़ता है। तो आई थिंक जी प्रभु जी तो अभी जा नहीं रहे, तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा सीताना प्रभु को कि जल्दी से जल्दी इनको प्रीचिंग में लगाया जाए, कि इन्होंने अपना मकान भी शायद वहाँ उत्तराखंड में बना लिया प्रभु जी ने, हल्द्वानी कौन मतलब वहां पे बना लिया, हल्द्वानी। हाँ, तो वो
एक सेंटर वहां पे खोलें जाके, जल्द जब भी ये जाएं वहां पे सेंटर खोलें, अगर ट्रेंड प्रीचर होंगे तो मैं आई थिंक ये बहुत बढ़िया वहां पे सेंटर चला पाएंगे और प्रचार कर पाएंगे बहुत जल्दी। माता जी भी प्रभु जी दोनों ही बहुत बहुत अच्छे भक्त हैं। और प्रभु जी का फेस्टिवल में जहां तक बात है कि मैंने इनको देखा है कि जब तक मतलब लोगों को इतना प्रेम से व्यवहार करते हैं, जो हमारे मेंबर्स आते हैं सब जो भक्त लोग आते हैं, 3 नंबर गेट पे ड्यूटी लगती रही और काफी काफी अच्छे इन्होंने सजेशन भी दिए कि ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, नोट करते रहते हैं। और वो लोग हमने लोगों ने बात भी मानी इनकी भी, नहीं भी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मतलब पूरा ध्यान रखते हैं ये मंदिर में क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी में पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आके हम चले गए, पूरा ध्यान रखते हैं सेवा में। और बाकी प्रभु जी की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे जे मंगलारती में भी रेगुलर आते रहे हैं माता जी, प्रभु जी सुबह चैंटिंग सेशन में रेगुलर। प्रभु जी की थोड़े दिन से हेल्थ ठीक नहीं है तो कई बार मैं इनको मिला बीच में तो प्रभु जी कहते नहीं मेरे थोड़ा हेल्थ थोड़ा गड़बड़ा गई थी, अब ठीक हो गया हूँ मैं, चिंता मत कर दिए मैं रेगुलर आऊंगा। तो टाइम ऑलरेडी हो गया है तो हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आई थिंक फाइनली मैं इस ग्रेस नंद महाराज प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा ये दो शब्द फॉर इस प्रोग्रेस इन भक्ति। बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी आपसे आपके कैसे आप भक्ति में जुड़े वो सुनकर, सीतानाथ प्रभु चुस्त प्रभु उनसे आपके गुणों का वर्णन सुनकर, आप निश्चित रूप से बड़े डिटरमिंट साधक भक्त हैं और सेवा आपकी स्पेशलिटी है, फिलॉसफी में भी आपकी रुचि है, आप साधना भी अच्छी करते हैं, फिलॉसफी भी अच्छी जानने की इच्छा है, सेवा भी करते हैं, तो ये एक तरह से कहिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपकी भक्ति में प्रगति के लिए। और साथ ही साथ कल हमने माता जी के बारे में भी सुना, उनसे भी सुना, तो दैट मेक्स इट ए वेरी गुड गृहस्था कपल। हम राधा माँ से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे, बिल्कुल परफेक्ट रहे और इसी प्रकार सेवा करते रहे, भक्ति में आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। Thank you.